जय हिंद दोस्तों। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग अध्ययन करेंगे क्लास टेंथ में जो हम लोग राजीव प्रकाशन से मैथ में अध्ययन कर रहे त्रिकोणमिति हम लोग पढ़ रहे थे, जिसमें हम लोग त्रिकोणमिति के जो भी हमारे पास 8.1, 2, 3 जो भी है सारे के सारे हम लोग क्वेश्चन को ख़त्म कर चुके हैं। आपको बता दें कि हम लोग जो है MCQ ख़त्म कर चुके हैं, आज जो है विविध प्रश्नावली करने वाले हैं। बहुत से स्टूडेंट्स गलतियाँ करते हैं कि विविध प्रश्नावली को नहीं पढ़ते, पढ़ना चाहिए। विविध प्रश्नावली का मतलब है कि हम लोग एक हिसाब से देखा जाए तो यही हमारा टेस्ट है, यही हमारा जो है माइंड जो है इसी का हम लोग चेक कर सकते हैं कि किस प्रकार से हम लोगों ने पढ़ाई की है। हम लोगों ने सारे के सारे एक्सरसाइज को लगा लिए हैं, एक्सरसाइज को हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। आज 8 है उसी को जो विविध है उसी को करेंगे। और कैसे करेंगे, जो 8.1, 2, 3 आप लोग नहीं देख के आए हो तो वही देख के आओ, हम लोग वही से ही करेंगे। देखो कैसे करते हैं। इसे पहला क्वेश्चन हमारे पास है, त्रिभुज ABC में कोण B समकोण है, AB बराबर BC बराबर 1 सेंटीमीटर। तो पहला क्वेश्चन हमारे पास है AB बराबर 1 सेंटीमीटर, BC बराबर 1 सेंटीमीटर और AC बराबर √2 सेंटीमीटर। AC बराबर √2 सेंटीमीटर, कोण B समकोण है। इसका समकोण का मतलब क्या है कि कोण B जो है ये 90 एंगल पर है, 90 अंश पर है। और तो साइन A टेन C का मान आप लोग ज्ञात कीजिए। साइन A और टेन C दोनों के मान को आप लोग ज्ञात कीजिए। सबसे पहली बात तो है, एक पाइथागोरस प्रमेय के लिए समकोण त्रिभुज का निर्माण करते हैं, मतलब समकोण त्रिभुज को बना लेते हैं। एक समकोण त्रिभुज बना लेंगे जहाँ पर हमारे पास साइन ए, तो साइन ए के लिए यहाँ पर ए दोगे, अब बी सी कहीं पर भी दे दो, तो यहाँ पर बी और यहाँ पर सी, तो दो समकोण त्रिभुज बना लो। अब टेन सी के लिए अगर यहाँ पर जो कोण यहाँ पर हो वही कोण यहाँ पर लिखोगे, तो यहाँ पर सी, ठीक। अब आप लोग कहीं पर भी लिख दो तो बी और ए, ठीक। एक चीज़ ध्यान रखना, हम लोग एक ही त्रिभुज से कर सकते थे लेकिन आप लोगों को दिक्कत है ना, इसलिए दोनों त्रिभुज बना के दिए दे रहे। AB हमारे पास 1 सेंटीमीटर है, AB हमारे पास 1 सेंटीमीटर है, BC हमारे पास 1 सेंटीमीटर है और AC √2 सेंटीमीटर है, AC √2 सेंटीमीटर है और AB हमारे पास 1 सेंटीमीटर है और BC हमारे पास 1 सेंटीमीटर है। अब हम लोग लाल बटे कक्का को भाई सब पढ़ चुके हैं, लाल बटे कक्का। तो लाल बटे कक्का के लिए, लाल बटे कक्का यहाँ पर साइन, यहाँ पर कॉस और यहाँ पर टेन, तो साइन थीटा बराबर लम बटे कण। तो आप लोग कहोगे साइन, यहाँ से साइन ए, लम बटे कण, लम बटे कण, तो 1/√2। अब आप लोग कहोगे टेन सी, लम बटे आधार, लम बटे आधार, 1/1 मतलब 1, तो हमारे पास ये आ जाएगा दोनों के लिए आंसर। तो देख पा रहे हो दोनों के दोनों 45 अंश के कोण पर है, ठीक, क्लियर। अब देखो हमारे पास क्वेश्चन नंबर दो में क्या है, क्वेश्चन नंबर दो में है त्रिभुज PQR में कोण Q समकोण है। कोण Q समकोण का मतलब है कोण Q जो है वो भाई साहब 90 अंश पर है। और इसके बाद PQ बराबर 4 सेंटीमीटर और QR बराबर 3 सेंटीमीटर और PR बराबर 5 सेंटीमीटर। यहाँ पर हम लोग cos P ज्ञात करेंगे, cos R ज्ञात करेंगे। अब एक चीज़ आप लोग यहाँ पर समझना, दो त्रिभुज बना रहे फिर से एक बार हम लोग, एक P के लिए और एक R के लिए, ठीक।
एक त्रिभुज बनाएंगे हम लोग पी के लिए, जहां पर यहां पर पी देंगे, और एक त्रिभुज बनाएंगे हम लोग आर के लिए जिसमें यहां पर आर देंगे। पी क्यू आर, पी क्यू आर, ठीक, चाहे इसे दे दो। हाँ, यहाँ पर कोण क्यू 90 अंश है, यहाँ पर कोण बी 90 अंश है, तो कोण बी दोनों में 90 अंश है, कोण क्यू 90 अंश है, तो भाई साहब यहाँ पर आपको क्यू ही देना है। तो यहाँ पर क्यू और यहाँ पर आर 90 अंश है, भाई साहब यहाँ पर भी आपको क्यू ही दोगे, क्यू और आर, क्योंकि क्यू और पी, क्योंकि हमारे पास 90 अंश है ना, यहाँ पर तो क्यू रखोगे। हाँ, यहाँ पर पी क्यू 4 सेंटीमीटर है, पी क्यू जो है ये हमारे पास 4 सेंटीमीटर है, और क्यू आर 3 सेंटीमीटर है, क्यू आर जो है 3 सेंटीमीटर है, तो पी आर 5 सेंटीमीटर है, तो पी आर 5 सेंटीमीटर है, ठीक। और क्यू आर, क्यू आर 3 सेंटीमीटर है, और पी क्यू हमारे पास 4 सेंटीमीटर है। अब अच्छे से मस्त तरीके से आप लोग ज्ञात कर लोगे, कैसे समझना, कॉस पी, कॉस पी तो यहाँ पर होता है कॉस, आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण, इससे आधार बटे कर्ण, तो 4/5। फिर टेन पी, लंब बटे आधार, इससे याद करोगे पी यहाँ पर है, लंब बटे आधार, लंब बटे आधार 3/4। फिर कॉस आर, आर यहाँ पर है तो कॉस, तो आप लोग कहोगे आधार बटे कर्ण, तो आधार बटे कर्ण 3/5, 3/5, ठीक। तो ये हमारे पास आंसर, क्वेश्चन नंबर आप लोग 3 को देखो। इसीलिए देखो, ये तो सिंपल सारे क्वेश्चन है, वैसे क्वेश्चन ज़्यादा कठिन नहीं है, पाइथागोरस पर भी आप लोग पढ़ चुके हो, मतलब ये पढ़ चुके हो आप लोग। क्वेश्चन नंबर 3 में है, कॉस ए बराबर 4/5, कॉस ए बराबर 4/5, तो टेन ए वन प्लस टेन स्क्वायर ए, फिर बराबर साइन ए बटे सेक ए, साइन ए बटे सेक ए। इनका कहना है कि यदि है तो सिद्ध कीजिए, तो कॉस ए बराबर हमारे पास ये है, तो सबसे पहली बात तो है, एक हम लोग क्या बनाएंगे, समकोण त्रिभुज का को बनाएंगे। यहाँ पर ए है तो यहाँ पर ए दो, अब यहाँ पर समकोण से तो कोई मतलब है नहीं, तो यहाँ पर आप लोग बी दे दो, यहाँ पर आप लोग सी दे दो। कॉस ए आधार बटे कर्ण, आधार क्या है 4, ये हमारे पास कर्ण, तो अगर 4/5 है तो निश्चित है कि ये 3 ही होगा, देख लो, अगर ये 5 है तो निश्चित है कि 4/3 है, अगर ये 5 है तो ये 4/3 ही होगा, आपको ये निश्चित है। यहाँ पर सबसे पहले सभी के मान को आप लोग ज्ञात कर लो, टेन ए, टेन ए लंब बटे आधार, तो लंब बटे आधार तो 3/4, फिर साइन ए लंब बटे कर्ण तो 3/5, सेक ए, सेक ए कर्ण बटे आधार, तो कर्ण बटे आधार तो 5/4। अब हम लोग किस साइड को हल करेंगे, पहले LHS को हल करते हैं। LHS में क्या है, टेन ए, टेन ए का मान क्या है 3/4/1 प्लस टेन स्क्वायर ए, तो 3^9 और 4^16, तो 3/4 को लिखो, 16 × 16 = 25/16, पहली चौथी कर लो, 3/4 × 16/25, 4 × 16, 4 × 12/25। हम लोग RHS को सॉल्व करेंगे, RHS साइन ए का मान क्या है 3/5, बटे सेक ए का मान है हमारे पास 5/4, पहली चौथी कर लो, तो 4 × 12 और 5 × 25, तो हम लोग कहोगे 12/25, तो हम लोग कहेंगे LHS जो है वो RHS के बराबर है, क्लियर। अब देखो क्वेश्चन नंबर हम लोग करेंगे चौथा, चौथे में क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 में है, साइन थीटा बराबर 1/2, साइन थीटा बराबर 1/2, तो भाई साहब हम लोग ज्ञात करेंगे 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा,
तीन साइन थीटा माइनस चार साइन क्यूब थीटा बराबर एक कोस सिद्ध करेंगे। वैसे इसमें भी अगर आप लोग पाइथागोरस के प्रमेय का प्रयोग करना चाहो तो कर सकते थे, ठीक है, चलो ना करो। देखो साइन थीटा बराबर हमारे पास, हम लोग LHS को सॉल्व करेंगे, तो साइन तीन को तीन लिखो, साइन थीटा की जगह एक बटे दो, माइनस चार को चार लिखो, साइन थीटा की जगह एक बटे दो, तो एक बटे दो का क्यूब मतलब एक बटे आठ, तो चार एकम चार, चार दूनी आठ, तो आप लोग कहोगे तीन बटे दो माइनस एक बटे दो, तो ये घटकर हमारे पास हो जाएगा दो बटे दो, कटकर हमारे पास क्या आ जाएगा एक, तो यही हमारे पास आंसर। क्लियर? कोई डाउट? कोई डाउट नहीं। क्वेश्चन नंबर पाँच, क्वेश्चन नंबर पाँच में है साइन ए बराबर एक बटे तीन, साइन ए बराबर एक बटे तीन, तो हम लोग ज्ञात करेंगे कॉस ए कॉस ए के, कॉस ए कॉसेक ए प्लस टेन ए सेक ए प्लस टेन ए सेक ए। एक काम करते हैं, साइन ए का मान है तो पाइथागोरस प्रमेय से बाकी सबके मान को ज्ञात कर लेते हैं हम लोग। तो यहाँ पर समकोण त्रिभुज, यहाँ पर ए लगाओगे कन्फर्म ही है, अब बी सी कहीं पर भी दे दो। साइन थीटा लंब बटे कर्ण क्या होता है? लंब बटे कर्ण लाल बटे कक्का से, तो लंब बटे कर्ण, लंब क्या है एक, कर्ण क्या है तीन, पाइथागोरस के प्रमेय लगा दोगे तो आप लोग कहोगे पाइथागोरस की प्रमेय से कर्ण का वर्ग यानी तीन का वर्ग नौ, लंब का वर्ग यानी एक, प्लस आधार का वर्ग यानी ए बी का वर्ग, यहाँ पर इसको पक्षांतर करोगे तो ए बी का वर्ग बराबर आठ, इसको डाउन रूट चढ़ाओ तो ए बी बराबर आप लोग कहोगे दो अंडर रूट दो, आठ का मतलब ये है दो अंडर रूट दो, ठीक है, इसमें डाउट ना रखो आप लोग। तो आठ का मतलब क्या हो गया, दो अंडर रूट दो। अब यह अंडर रूट आठ भी लिख सकते हम लोग, ठीक, यह हम लोग कह सकते हैं कि अंडर रूट आठ। अब यहाँ से साइन ए का मान है, हम लोग कॉस ए का मान निकालना चाहते हैं, तो कॉस ए चलो डायरेक्ट डायरेक्ट रखते हैं, हाँ कॉस ए, कॉस ए क्या है आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण का मतलब हो गया हमारे पास दो अंडर रूट दो बटे कर्ण क्या है तीन इंटू कॉसेक ए, तो कॉसेक ए जो है हमारे पास क्या होता है कॉसेक ए कर्ण बटे लंब, कर्ण बटे लंब मतलब तीन बटे एक प्लस टेन ए, टेन ए का मतलब क्या हुआ यहाँ पर लंब बटे आधार, लंब बटे आधार, लंब क्या है एक बटे दो अंडर रूट दो लंब और ये आधार इंटू सेक ए, सेक ए क्या होता है कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे आधार मतलब तीन बटे दो अंडर रूट दो, तीन से तीन कैंसिल तो हमारे पास बचा दो अंडर रूट दो प्लस तीन एकम तीन बटे, ये हमारे पास क्या हो जाएगा जानते हो, ये हमारे पास दो एकम दो, दो दुनी चार दुनी यानी ये पूरा आठ हो गया हमारे पास, ठीक। अब बटे एक मान के भिन्न करोगे, आठ दुनी सोलह अंडर रूट दो प्लस तीन बटे आठ, ठीक। क्वेश्चन नंबर हमारा कौन सा था, पाँचवा, क्वेश्चन नंबर पाँचवा, तो बस इसी को आंसर रख लो। एक काम करो फटाफट, इतने में आप लोग शॉर्ट कर लो, फिर क्वेश्चन नंबर जो है हम लोग नेक्स्ट को करते हैं। हम लोग करेंगे अब छः, छः में क्या है क्वेश्चन नंबर छः, छः में है कि तेरह साइन ए बराबर बारह, और फिर हम लोग ज्ञात करेंगे सेक ए माइनस टेन ए, क्या ज्ञात करेंगे हम लोग सेक ए माइनस टेन ए, बस तेरह को जो है बटे में पहुंचा दो, तेरह को हम लोग क्या करेंगे बटे में पहुंचा देंगे, तो हम लोग कहेंगे कि साइन ए बराबर बारह बटे तेरह। अब आप लोग क्या करोगे, एक समकोण त्रिभुज बना लो, और समकोण त्रिभुज में यहाँ पर ए लिखो और यहाँ पर बी लिखो, यहाँ पर सी लिखो,
लंब बटे कर्ण, तो 12/13, 13 का वर्ग 169, 12 का वर्ग 144, 169 से 144 घटाओगे तो बचेगा आपके पास 25, 25 का मतलब ये हो गया 5, तो ये हमारे पास क्या हो गया 5। नहीं समझ में आया तो पाइथागोरस की प्रमेय से आप लोग याद कर लो, 13 का वर्ग 169, 12 का वर्ग 144, 169 से 144 घटा दो बचेगा 25, 25 का मतलब 5। तो यहाँ पर आप लोग कहोगे सेक ए, लाल बटे कक्का को याद रखो, इसे मत भूलो, लाल बटे कक्का, ये साइन, ये कॉस और ये टेन, ठीक, कॉस का उल्टा सेक। तो सेक ए मतलब कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे आधार, तो 13/5 माइनस टेन ए, लंब बटे आधार 12/13, 12/13 कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे आधार और लंब बटे आधार, लंब बटे आधार 12/5, तो 1/5 आंसर। सात नंबर देखो, सात नंबर में है हमारे पास कि कॉस थीटा बराबर एम बटे एन, कॉस थीटा बराबर एम बटे एन, तो हम लोग ज्ञात करेंगे टेन थीटा माइनस कॉट थीटा, टेन थीटा माइनस कॉट थीटा, ये हम लोग ज्ञात करेंगे। फिर से वही फार्मूला, मतलब हम लोग एक समकोण त्रिभुज बना लेते हैं, तो समकोण त्रिभुज बना लेंगे, यहाँ पर हम लोग थीटा लिखेंगे। अब हमारे पास यम बटे यन, मतलब हमारे पास आधार बटे कर्ण, आधार क्या है यम और कर्ण क्या है हमारे पास यन, तो पाइथागोरस की प्रमेय लगा दोगे तो यन का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, यानी प्लस यम स्क्वायर, इधर पक्षांतर करोगे तो यल बराबर अंडर रूट में यन स्क्वायर माइनस यम स्क्वायर, तो यही मान हमारे पास है। तो हम लोग कहेंगे टेन थीटा, तो टेन थीटा माइनस कॉट थीटा, तो टेन थीटा का मान क्या है हमारे पास, लंब बटे आधार, लंब क्या है अंडर रूट में यन स्क्वायर माइनस यम स्क्वायर, आधार क्या है यम माइनस कॉट थीटा, कॉट टेन का उल्टा होता है, तो यम बटे अंडर रूट में यन स्क्वायर माइनस यम स्क्वायर, इनके साथ गुणा करेंगे तो हमारे पास यन स्क्वायर माइनस यम स्क्वायर, माइनस इनके साथ गुणा करेंगे तो यम स्क्वायर बटे यम अंडर रूट में यन स्क्वायर माइनस यम स्क्वायर, ठीक है, एन स्क्वायर माइनस यम स्क्वायर। अब ये हमारे पास यन स्क्वायर माइनस टू यम स्क्वायर बटे यम अंडर रूट में यन स्क्वायर माइनस यन स्क्वायर जो है, यही हमारे पास क्या है, आंसर है, क्लियर। क्वेश्चन नंबर अब देखो, सात को बाद आठ देखो, आठ में है, क्वेश्चन नंबर आठ में है कि कॉस ए बराबर 5/13, कॉस ए बराबर 5/13, तो साइन ए क्या लिख दिया हमने, कॉस ए बराबर 5/13, तो साइन ए माइनस कॉट ए बटे टू टेन ए आप लोग ज्ञात करोगे। तो सबसे पहले इसके लिए भी आप लोग क्या ज्ञात करोगे, एक समकोण त्रिभुज बना लोगे, यहाँ पर आप लोग ए लिखोगे लंब, और यहाँ पर बी और यहाँ पर सी, लंब बटे कर्ण नहीं, कॉस ए आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण, तो निश्चित है कि फिर ये 12 है और सेम टू सेम क्वेश्चन नंबर 6 की तरह लगाना। क्वेश्चन नंबर 9 को देखो, क्वेश्चन नंबर 8 को लगा लोगे आप लोग, क्वेश्चन नंबर 6 है देखो सेम टू सेम, क्वेश्चन नंबर 9 को देखो, 9 नंबर में है 2 tan² 45, 2 tan² 45 प्लस cos² 30 माइनस sin² 60। कुछ भी नहीं करना है, केवल मान रखने के अलावा, सब मान देखो हम ही रख रहे हैं, आप लोगों को रखने की जरूरत नहीं है। 2 × 10^45 का मान 1 और प्लस cos 30 का मान अंडर रूट 3/2 माइनस sin 60 का मान अंडर रूट 3/2, ये माइनस और ये प्लस कैंसिल, तो 2 एकम 2
आंसर। ठीक, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में है कॉस 45 बटे सेक 30 कॉस 31, सेक 30 कॉस 31। बस इसमें भी मान रखोगे और कुछ नहीं, मान रखोगे कॉस 45 का मान 1 बटे अंडर रूट 2, सेक 30 का मान, सेक 30 का मान होता है 2 बटे अंडर रूट 3, प्लस कॉस 31 का मान 2 बटे 1 मान लो। अब 1 बटे अंडर रूट 2, 2 एकम 2, प्लस 2 अंडर रूट 3 बटे अंडर रूट 3, तो इसे एकदम ऊपर पहुंचा दो तो आप लोग कहोगे अंडर रूट 3 बटे, अब इसे पहुंचा देंगे ऊपर, इसे इसके गुणा पहुंचा देंगे तो ये हो जाएगा 2 अंडर रूट 2 प्लस 2 अंडर रूट 6, अंदर गुणा करेंगे 2 अंडर 2 और 2 तिया 6। ठीक, तो यहाँ पर अगर आप लोग चलो काम करते हैं, इसे ऐसे रहने दो, कैसे अंडर रूट 2 और इसे लिखो 2 प्लस 2 अंडर रूट 3। ठीक, 2 प्लस 2 अंडर रूट 3। अब हम लोग क्या करेंगे, परिमेयकरण करते हैं, या तो 2 को ले लो कॉमन, नहीं तो हम लोग एक बार लगा चुके हैं, 2 को बाहर ले लो कॉमन तो बचेगा अंडर रूट 3 बटे 2 अंडर रूट 2, और ये बचेगा 1 प्लस अंडर रूट 3, 1 प्लस अंडर रूट 3। परिमेयकरण, 1 माइनस अंडर रूट 3 का ऊपर भी गुणा, 1 माइनस अंडर रूट 3 का नीचे भी गुणा, इसे कहते हैं परिमेयकरण। तो इसके साथ गुणा करोगे तो ये हो जाएगा अंडर रूट 3 माइनस 3 बटे ये वर्गांतर 2 अंडर रूट 2, वर्गांतर 1 माइनस अंडर रूट 3 का स्क्वायर, इससे ये कैंसिल, अंडर रूट 3 माइनस 3 3 बटे 2 अंडर रूट 2, 1 माइनस 3, तो हम लोग कहेंगे कि अंडर रूट 3 माइनस 3 बटे 2 अंडर रूट 2 इंटू माइनस 2, अंडर रूट 2 का ऊपर और नीचे गुणा करने पर, इसके साथ गुणा करेंगे और माइनस का भी गुणा कर लो, माइनस का भी गुणा कर लो, ठीक माइनस, तो माइनस माइनस ख़त्म कर देंगे, तो इसके साथ गुणा करेंगे तो 2 नहीं 3 अंडर रूट 2, 3 अंडर रूट 2 माइनस 3 दूनी 6 बटे, ये हो जाएगा हमारे पास 2 दूनी 4 और ये 2 एकम 2 अर्थात 8, तो 3 अंडर रूट 2 और अंडर रूट 6 बटे 8। ये क्वेश्चन एक बार हम लोग 8.2 में लगा चुके हैं, चेक कर लो। क्वेश्चन नंबर 10 के बाद क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 को देखो, क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 में है साइन 30 प्लस 10 45, साइन 30 10 45 पर माइनस कॉसेक 60, माइनस कॉसेक 60 बटे सेक 30 कॉसेक 60, सेक 30 कॉसेक 60 और प्लस कॉट 45, प्लस कॉट 45। ठीक, तो मान रखो साइन 30 का मान 1 बटे 2 ये 1, और ये हमारे पास 2 बटे अंडर रूट 3 बटे सेक 30 का मान 2 बटे अंडर रूट 3 और प्लस कॉस 60 का मान 1 बटे 2 और प्लस 1, तो एलसीएम हमारे पास हो जाएगा इसका 2 अंडर रूट 3, तो यहाँ पर अंडर रूट 3 की कमी है तो अंडर रूट 3 प्लस यहाँ लिखेंगे 2 अंडर रूट 3 और माइनस 2 की कमी है 2 दूनी 4 बटे, यहाँ पर भी एलसीएम हमारे पास 2 अंडर रूट 3, यहाँ पर 2 की कमी है तो 2 दूनी 4 प्लस अंडर रूट 3 की कमी है और प्लस 2 अंडर रूट 3, इससे ये कैंसिल, तो ये हमारे पास 1 और 2 3, तो हम लोग कहेंगे 3 अंडर रूट 3 माइनस 4, यहाँ पर 3 अंडर रूट 3 प्लस 4, परिमेयकरण करो 3 अंडर रूट 3 माइनस 4 का ऊपर भी गुणा और 3 अंडर रूट 3 माइनस 4 का नीचे भी गुणा, तो ऊपर हो गया होल स्क्वायर, होल स्क्वायर खोलो तो ये हो जाएगा 3 अंडर रूट 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 3 अंडर रूट 3 इंटू 4 2ab बटे यहाँ पर वर्गांतर, तो 3 अंडर रूट 3 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर, तो यहाँ पर हम लोग कहेंगे 3 त्रिका 9 तिया 27। ठीक, 3 त्रिका 9 तिया 27
और प्लस चार चौको 16, माइनस चार तिया 12 दूनी 24, तो 24 अंडर रूट 3 बटे 3 त्रिका 9 तिया 27, माइनस चार चौको 16। तो यहाँ पर हम लोग कहेंगे कि ये जोड़ेंगे तो 43 माइनस 24 अंडर रूट 3 बटे 11 आंसर हमारा। इतने का फटाफट शॉर्ट करो जिससे कि क्वेश्चन को आगे सॉल्यूशन करते हैं। फटाफट शॉर्ट करो। लोगों के पास 12 में क्या है, 12 में है कि साइन 60 कॉस 30 प्लस साइन 30 कॉस 60। चलो केवल मान ही महान है तो आप लोग उड़ा देना से, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 13 में भी केवल मान ही मान है। क्वेश्चन नंबर 14 को देखो, क्वेश्चन 14 में सिद्ध करना है, ठीक है। तो 14, चलो 14 को देख लो ना, 14 देखने की जरूरत नहीं है। 14 में 10 45 का मान 1 और 10 30 का मान 1 बटे अंडर रूट 3 और क्वेश्चन कॉट 60 का मान 1 बटे अंडर रूट 3। तो मतलब 1 बटे अंडर रूट 3 काट देना, बच्चेगा आपके पास एक आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 में है, सिद्ध कीजिए कि क्वेश्चन नंबर 15 को देखो। क्वेश्चन नंबर 15 में है कि कॉट ए बाई टू माइनस 10 ए बाई टू, कॉट ए वाई टू माइनस 10 ए वाई टू बराबर 2 कॉट ए, बराबर 2 कॉट ए सत्य है यदि ए बराबर 60 अंश। ए बराबर क्या है हमारे पास, 60 अंश। तो देखो ये भी सिंपल ही है, आपके पास ए बराबर 60 अंश, तो कॉट 60 बटे 2 माइनस 10 60 बटे 2, इससे काटोगे तो हमारे पास ये हो जाएगा कॉट 30 अंश माइनस 10 30 अंश। कॉट 30 का मान अंडर रूट 3 और 10 30 का मान 1 बटे अंडर रूट 3। सारणी के ट्रिक हमने 8.2 में आपको बता चुके हैं, 8.3 में बता चुके हैं, उसको देख जरूर लो, भिन्न कर लो। तो इसके थोड़ा करेंगे तो 3 माइनस 1 बटे अंडर रूट 3, ये घटकर 2 बटे अंडर रूट 3, ठीक। ये हमारे पास आंसर क्या है, तो बराबर 2 कॉट ए सत्य है। अच्छा 2 कॉट ए, तो हमारे पास अब 2 कॉट ए, ये हमारे पास एल एच एस, अब आर एच एस 2 कॉट ए, तो 2 कॉट ए, ए का मान क्या है हमारे पास 60 अंश, और 2 इंटू कॉट 60 का मान अंडर रूट 1 बटे अंडर रूट 3, तो ये आ जाएगा हमारे पास 2 बटे अंडर रूट 3। तो हम लोग कहेंगे एल एच एस आर एच एस बराबर है। क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 दो, क्वेश्चन नंबर 16 करेंगे। 16 में है कि सिद्ध कीजिए कि साइन थीटा, लिख लेते हैं साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा और टेन थीटा प्लस कॉट थीटा बराबर सेक थीटा प्लस कॉसेक थीटा। अच्छा ये प्रूफ करेंगे हम लोग, हाँ देखो हम लोग ले लेंगे एलएचएस लेंगे। अब साइन थीटा को साइन थीटा, कॉस थीटा को कॉस थीटा लिखो, किंतु टेन थीटा को चेंज करो। हमने हमेशा भी यही कहा है कि टेन कॉट को भी साइन कॉस में ही तोड़ा करो, साइन कॉस को बचा के रखो और बाकी सबको टेन कॉट में तोड़ दो। तो टेन थीटा, ये फार्मूला साइन थीटा बटे कॉस थीटा, और कॉट थीटा टेन थीटा का उल्टा होता है, तो कॉस थीटा बटे साइन थीटा, भिन्न करो इतने में साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, और ये हो जाएगा इसमें गुणा करेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बटे साइन थीटा कॉस थीटा। ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा होता है एक, अब सिंगल हर होने पर हम लोग कर देंगे अलग अलग। तो साइन थीटा, इस साइन थीटा के बटे में इसे लिख सकते हैं साइन थीटा कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा के बटे में लिख सकते हैं हम लोग साइन थीटा
कॉस थीटा, ये तो पूरा एक हो गया ना, इसके बटे में इसे लिखो, इसके बटे में इसे लिखो, साइन थीटा कैंसिल, कॉस थीटा कैंसिल, एक बटे कॉस थीटा ये फार्मूला है सेक थीटा, एक बटे साइन थीटा ये फार्मूला है कॉसेक थीटा, आंसर आ गया। ठीक, तो हम लोग कहेंगे एल एच एस इक्वल्स आर एच एस। क्वेश्चन नंबर 17 को देखो, 17 हम लोग कर चुके हैं, 17 हम लोग कर चुके हैं 8.3 में। हमारे पास कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर और बराबर हमारे पास 1 माइनस कॉस थीटा बटे 1 प्लस कॉस थीटा। आपको बता दे कि ये जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर हम लोग आपको अभी बताते हैं, 8.3 में हम लोग कर चुके हैं, तो 8.3 का 21 का पहला नंबर, हाँ, तो हम लोग कहेंगे कि एक्सरसाइज 8.3 का 21 का 30 कौन सा नंबर, 21 का पहला नंबर, तो 21 का पहला नंबर ज़रूर उसको विजिट कीजिए, आप लोग ज़रूर देख लीजिए, तो क्वेश्चन नंबर आप लोग इसको सॉल्व कर लोगे। क्वेश्चन नंबर 18 को देखो, क्वेश्चन नंबर 18 में है हमारे पास कि अंडर रूट वन माइनस साइन ए बटे अंडर रूट वन प्लस साइन ए बराबर हमारे पास है sec a माइनस tan a। इस क्वेश्चन को जो है आप लोग 8.3 यानी आप लोग कहोगे कि एक्सरसाइज 8.3 क्वेश्चन नंबर 21 के क्वेश्चन नंबर आप लोग 6 देखोगे, पार्ट 6 में इसको विजिट कीजिए, इसे भी बता चुके हैं हम। ठीक, 8.3। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 19 को देखो, ऐसा नहीं है कि हम 18 नंबर 17 नंबर को छोड़ रहे हैं, अगर आप लोग कमेंट करते इस क्वेश्चन पे तो हम जरूर इसको प्रोवाइड करते 8.3 में। आप लोगों का कोई भी कमेंट नहीं है इसलिए हम इस क्वेश्चन को अब लगवा चुके हैं, इसीलिए छोड़ रहे हैं कि आप लोग उसको ज़रूर देख लीजिए उस 8.3 में। हाँ, इसके बाद देखो, वन प्लस sec a बटे sec a बराबर साइन स्क्वायर a बटे वन माइनस कॉस a। दोस्तों जस्ट मिनट, ये क्वेश्चन भी आप लोग लगा चुके हो, 21 का चौथा, तो आप लोग कहोगे कि ये भी एक्सरसाइज 8.3 के 21 के चौथे पार्ट में आप लोग इसको सॉल्व कर चुके हो, तो यहाँ पर आप लोग चौथे पार्ट को ज़रूर विजिट कर लीजिए। ठीक है, अब दोस्तों तो क्वेश्चन नंबर हम एक काम कर रहे हैं, 12 को बता दे रहे हैं, जिसमें कि आप लोगों को डाउट ना हो जाए कि सर आपने 12 को छोड़ दिया, 12 को बता देते हैं। 12 में है साइन साठ कॉस तीस प्लस साइन तीस कॉस साठ। केवल मान को रखो यहाँ पर, जब मान को रखेंगे साइन साठ का मान अंडर रूट 3/2, कॉस 30 का मान अंडर रूट 3/2, साइन 30 का मान 1/2 और इसमें भी 1/2, तो हम लोग कहेंगे 3 × 3/4 प्लस 1 × 1/4, तो हम लोग कहेंगे 4/4 कटकर हमारे पास 1, जो कि हमारे पास आंसर है। क्वेश्चन नंबर 13 में है, 13 से पहले 14 को देखो, फिर 13 को बताते हैं। 14 में है tan 45 + tan 30 माइनस cot 60 बराबर 1 लाना है,
कॉट 60। सिंपल क्वेश्चन है, हम लोग कर लेते हैं, फिर भी बता दे रहे हैं आपको। 10 45 का मान 1, 10 30 का मान 1/√3 और कॉट 60 का मान 1/√3, ये कैंसिल, तो हमारे पास बचा क्या है 1, और यही हमारे पास आंसर है क्वेश्चन नंबर। अब देखो आप लोग 13 को, 13 ठीक, 13 को देखो, 13 नंबर में है कि हमारे पास 5 cos² 60, 5 cos² 60 प्लस 4 sec² 30 प्लस 4 sec² 30 माइनस 10² 45, 10² 45 बटे sin² 30 प्लस cos² 30 का मान आप लोग ज्ञात कीजिए। एक चीज समझना, sin² θ प्लस cos² θ बराबर होता है 1, sin² a प्लस cos² a बराबर 1, मतलब कोण अगर बराबर हो तो उसका मान होगा 1, तो sin² 30 प्लस cos² 30 ये हो गया 1, इसको हटाओ, इसको लिख नहीं रहे हम। अब देखो 5 को 5 लिखो, cos 60 का मान होता है 1/2 प्लस 4, sec 30 का मान होता है 2/√3 माइनस 10 45 का मान 1, तो 5/2 का वर्ग 4 प्लस 4 × 4/3 माइनस 1, तो आप लोग कहोगे कि 5/4 प्लस 16/3 माइनस 1/1, एलसीएम लोगे तो एलसीएम हो जाएगा आपका, आपके पास 12, 4 × 3 = 12 यानी 5 × 3 = 15, 3 × 4 = 12 यानी 16 × 4 = 64 माइनस 12 × 1 = 12, तो आप लोग कहोगे कि ये हमारे पास 9 और 79 माइनस 12/12, तो जब घटा लोगे तो यहाँ बचेगा 7, ये बचेगा 7, ये बचेगा 6/12, आंसर हमारा 67/12 ठीक। तो इस प्रकार से दोस्तों आज हम लोगों ने विविध प्रश्नावली 8 को भी कम्प्लीटली ख़त्म कर लिया है। अब दोस्तों जो है हम लोग आपसे मिलेंगे किस एक्सरसाइज में, हाँ त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग, जो कि बोर्ड एग्जाम में इसके एक क्वेश्चन 100% आना ही है, ठीक है, लॉन्ग आंसर में आना ही है। त्रिकोणमिति के एक प्रयोग हाइट एंड एंड डिस्टेंस जो है हम लोग यही पढ़ेंगे, ऊंचाई एंड दूरी, ठीक है। हाँ तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, आज के वीडियो में दोस्तों इतना ही, जय हिंद जय भारत, आप लोग स्वस्थ रहिए मस्त रहिए, और हर एक एक्सरसाइज में हमसे इस प्रकार से मिलते जुड़ रहिए, और अपना प्यार बरसाना मत भूलिएगा, ठीक है। कोई भी डाउट है तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, हम उसको प्रोवाइड करने की पूरी कोशिश करते हैं, करते रहेंगे, ठीक। आज की वीडियो इतना ही, ठीक है, स्क्रीन शॉट फटाफट इतने का शॉट कर लो आप लोग, तो फिर हम लोग प्रश्नावली अब पढ़ेंगे हम लोग आगे।